हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आइडियल एक्सपर्ट चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने इस एक्टिविटी को क्रिएट किए थे डॉट एक्सएमएल फाइल में। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ जो भी हमने केस क्रिएट किए थे, यहाँ पे लेआउट क्रिएट किए थे हमने, यहाँ पे कोड इसके लिए क्रिएट किए थे। तो अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले, इसको हम इम्प्लीमेंट करने वाले डॉट जावा फाइल में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डॉट जावा फाइल में। तो सबसे पहले आपको थर्ड एक्टिविटी में आना होगा, एंड सबसे पहले जो ऐप कॉम्प एक्टिविटी दिख रहा है इसमें आपको आना होगा, एंड जो जो आपको यहाँ पे यूज़ किया है उसको यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ से डिक्लेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको बटन यूज़ करना है, बटन, एंड यहाँ से कुछ भी नाम दे देना है इसका। स्टार्ट बटन मैं दे देता हूँ। आपको अभी प्राइवेट यूज़ करना है, प्राइवेट आपको ये ध्यान में रखना है, स्मॉल प्राइवेट लिखना है, प्राइवेट काउंट डाउन टाइमर, एंड यहाँ से भी काउंट डाउन टाइमर। आपको टेक्स्ट व्यू भी यहाँ से यूज़ करना होगा, टेक्स्ट व्यू, एम टेक्स्ट व्यू, कुछ भी नाम दे सकते हो आप यहाँ से। तो मैं यहाँ से एम टेक्स्ट व्यू दे देता हूँ। आपको अगेन यहाँ से प्राइवेट ले देना है, प्राइवेट बुलियन, एम टाइम रनिंग, एंड यहाँ से भी इसको क्लोज कर देना है। अगेन आपको यहाँ से प्राइवेट यूज करना है, प्राइवेट लॉन्ग, एम टाइम, लेफ्ट इन मिली सेकेंड, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं कुछ भी नाम देते जा रहा हूँ। ओके, एंड यहाँ से आपको अभी देख सकते हो अभी हमारा कंप्लीटली वर्क हो चुका है। अभी हमें सबसे पहले नीचे आना होगा क्योंकि हमने जो यहाँ पे यूज़ किए, यहाँ पे हमें डिक्लेयर करना होगा ऑन क्रिएट के मेथड के अंदर। आपको इस ब्रैकेट के बाहर चले जाना है, एंड यहाँ से आपको जो जो आपने यूज़ किया है उसको डिक्लेयर कर देना है। तो मैं यूज़ कर देता हूँ जैसे स्टार्ट बटन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, जो भी हमने स्टार्ट बटन आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, जो हमारी ये स्टार्ट बटन है यहाँ पे आपको इसकी आईडी लेनी है। जैसे स्टार्ट बटन हमारी आईडी है तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ स्टार्ट बटन को, एंड वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ डिक्लेयर में। कंट्रोल वी से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, एंड सेमी कॉलम से भी क्लोज कर देता हूँ। अभी आपको एम टेक्स्ट व्यू यूज़ करनी है, एम टेक्स्ट व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, हमें यूज़ करना है ऐसे टाइम क्योंकि हमने यहाँ से यूज़ किए थे। आपको अगेन दिखा देता हूँ, हमारी यहाँ पे आईडी थी टाइम, ओके, इसलिए हमने यहाँ पे टाइम यूज़ किया। आपको सेमी कॉलम से क्लोज कर देना है इसको, एंड जैसे हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे हमारा टाइमर ऑन होना जाना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा देता हूँ, स्टार्ट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू कैपिटल ओ, जैसे लिखोगे आपका सामने जो भी कोड रहेगा खुद ब खुद डिटेक्ट हो जाएगा। आपको अभी यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन यूज करनी है। ओके, तो इफ एम टाइम रनिंग जो हमने ऊपर यूज किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने यूज किया था यहाँ पे एम टाइम रनिंग, इसको हमें यूज करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ एम टाइम रनिंग। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे ब्रैकेट दे देना है, एंड कंडीशन यूज करनी है स्टॉप टाइमर, बट हमने अभी तक स्टॉप टाइमर का कोड क्रिएट नहीं किया तो हम बाद में दे देंगे स्टॉप टाइमर। एंड आपको यहाँ से एल्स यूज करना है, एल्स में भी आपको कोड में यूज करना है स्टार्ट टाइमर। ओके, तो स्टार्ट टाइमर का भी हमने कोड यूज नहीं किया, तो सबसे लास्ट में हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। ओके, तो अभी हम सबसे पहले स्टॉप टाइमर के लिए कोड क्रिएट कर देते हैं। मैं इसके नीचे आ जाता हूँ, तो सबसे पहले आपको इसके नीचे आ जाना है, एंड प्राइवेट यूज करना है, प्राइवेट वॉइड स्टॉप टाइमर, स्टॉप टाइमर। ओके, एंड यहाँ से आपको यूज कर देना है। मैं यहाँ से ब्रैकेट दे देता हूँ, ब्रैकेट देने के बाद आपको काउंट डाउन टाइमर यूज करना है जो हमने ऊपर यूज किया था, काउंट डाउन टाइमर डॉट कैंसल,
अगेन आपको इंटर करना है यम टाइम रनिंग, कैपिटल यम, सॉरी एम टाइम रनिंग इज इक्वल टू फॉल्स, इसको सेमी कॉलम से क्लोज कर देना है एंड स्टार्ट बटन। ओके स्टार्ट बटन डॉट सेट टेक्स्ट, तो जैसे हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टार्ट लिखा होना चाहिए। ओके स्टार्ट आपको यहाँ से दे देना है एंड आपको इस जो भी ब्रैकेट रहेगा इसके बाहर आ जाना है एंड यहाँ से अगेन प्राइवेट वॉइड स्टार्ट टाइमर यूज कर देना है, बट आपको यहाँ से कैपिटल टी यूज करना है। आप कुछ भी ले सकते हो, नेम आपको कुछ भी रखना है एंड यहाँ से आपको ब्रैकेट यूज करना है। अगेन आपको यहाँ से ब्रैकेट यूज करना होगा, तो मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ फाइनल कैर सीक्वेंस वैल्यू वन, सॉरी कैर सीक्वेंस वैल्यू वन, आप कुछ भी नेम लिख सकते हो यहाँ पे, इज इक्वल टू एम टेक्स्ट व्यू डॉट गेट टेक्स्ट। ओके सेमी कॉलम से इसको क्लोज करना है अभी एंड यहाँ से हमें थ्री स्ट्रिंग यूज करनी होगी, स्ट्रिंग नंबर वन इज इक्वल टू वैल्यू वन डॉट टू स्ट्रिंग, इसको क्लोज कर देना सेमी कॉलम से। अगेन आपको सेकेंड स्ट्रिंग लेना है स्ट्रिंग नंबर टू इज इक्वल टू, आपको अभी इस नंबर वन को यूज करना है जो यहाँ पे नंबर वन हमने डिक्लेयर किया था, नंबर वन डॉट सब स्ट्रिंग जीरो कॉमा टू को पास कर देना है यहाँ पे, मैं यहाँ पास कर देता हूँ एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देता हूँ। आपको अभी स्ट्रिंग यूज करना है यहाँ पे, स्ट्रिंग नंबर थ्री इज इक्वल टू, अगेन आपको नंबर वन को यूज करना है एंड सब स्ट्रिंग यहाँ से पास कर देना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब स्ट्रिंग एंड थ्री कॉमा फाइव सब स्ट्रिंग में पास कर देना। ओके अभी आप देख सकते हो अभी हमारा कंप्लीटली कोड हो चुका है, अभी आपको नीचे आना होगा एंड फाइनल लगाना होगा, फाइनल इंट नंबर इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे इंटीजर यूज करना होगा। ओके नंबर जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू इंटीजर यूज करना होगा, कैपिटल इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ नंबर टू, जो हमने यहाँ पे नंबर टू दिया था यहाँ पे आपको पास करना होगा, इनटू का मैं साइन दे देता हूँ यहाँ पे एंड 60। ओके आपको यहाँ पे प्लस यूज करना होगा, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ आपको जो भी हमने यहाँ पे दिया था नंबर थ्री आपको यहाँ पे यूज करना होगा नंबर थ्री, सेमी कॉलम से आपको क्लोज करना होगा एंड आपको यहाँ से एम टाइप जो हमने टाइम लेफ्ट मिली सेकेंड यूज किए थे आपको यहाँ पे यूज करना होगा, इज इक्वल टू नंबर इंटू थाउजेंड, मल्टीप्लाई का साइन देना होगा आपको इज इक्वल टू थाउजेंड, क्योंकि हमें यहाँ पे वन मिनट के लिए यूज करना है। ओके इसलिए हमने यहाँ पे 16 दे दिए, या फिर अगर आपको चेंज करना होगा तो आप चेंज कर सकते हो, 120 लिख सकते हो, मीन्स 2 मिनट के लिए भी यूज कर सकते हो। अभी हमें काउंट डाउन टाइमर यूज करना होगा यहाँ पे, काउंट डाउन टाइमर इज इक्वल टू न्यू काउंट डाउन टाइमर यूज करना होगा आपको, जैसे हम काउंट डाउन टाइमर यहाँ पे कर देते हैं तो आपके सामने कोड खुद ब खुद डिटेक्ट हो जाएगा, आपको यहाँ पे पास करना होगा एम टाइम लेफ्ट। ओके जो हमने वहाँ पे यूज किया था, तो मैं यहाँ से इसको पास कर देता हूँ कॉमा देके, जो भी हमारा यहाँ पे नंबर था 1000। ओके हम काउंट डाउन टाइमर यहाँ पे पास कर देते जितना भी हमारा रहेगा, मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अभी आपको यहाँ पे और यहाँ पे कोड लिखना होगा, तो मैं ऑन टिक के नीचे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं कोड को इंटर कर देता हूँ, एम टाइप लेफ्ट इन मिली सेकेंड इज इक्वल टू मिली यूनिट फिनिश। ओके जो भी हमारा रहेगा मिली यूनिट फिनिश उसको आपको यहाँ पे इंटर करना होगा एंड यहाँ पे आपको ब्रैकेट का यूज करना होगा, इसके बाद में आपको यहाँ पे क्लोज करना होगा
सॉरी अभी थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, आपको जो ब्रैकेट हमने यूज़ किया था हमें इसको कैंसिल करना होगा एंड यहाँ पे सेमी कॉलन यूज़ करना होगा। जैसे हम सेमी कॉलम दे देंगे आपको अपडेट टाइमर यहाँ पे लिख देना है, अपडेट टाइमर। बट मैंने यहाँ पे अपडेट टाइमर का यहाँ पे कोड यूज़ नहीं किया, मीन्स यहाँ पे हमने क्रिएट नहीं किया, तो हम नीचे कोड यहाँ पे अपडेट टाइमर का यूज़ कर देंगे। आपको यहाँ पे इतना कोड हो चुका है अभी हमने मिली सेकेंड में, अभी आपको नीचे आना होगा एंड ऑन फिनिश में आपको कोड लिखना होगा। मैं ऑन फिनिश में आ जाता हूँ एंड यहाँ से इंट वैल्यू पास कर देता हूँ, इंट न्यू वैल्यू इज इक्वल टू कैपिटल इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, आपको जो भी बटन वैल्यू यूज किए थे हमने ऊपर वही बटन वैल्यू को यहाँ पे पास कर देना है। बटन वैल्यू को पास करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस का साइन दे देना है एंड प्लस वन करना है एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज करना है। आपको यहाँ पे इफ एंड एल्स की कंडीशन यूज करना होगा, तो मैं इफ एल्स कंडीशन यूज कर देता हूँ। इफ न्यू वैल्यू जो भी हमने यहाँ पे यूज किया है न्यू वैल्यू इसको यहाँ पे अभी दे देना होगा, इफ न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ने आपको लेस देन और इज इक्वल टू लिखना है। ओके सेवन, देन हम कंडीशन यूज करेंगे, इंटेंट पास कर देंगे ऐसे, इंटेंट इंटेंट इज इक्वल टू न्यू ऑफ इंटेंट एंड हमें थर्ड एक्टिविटी डॉट दिस यूज करना है क्योंकि हम जिस एक्टिविटी में उस एक्टिविटी का नाम लिखना है, थर्ड एक्टिविटी डॉट दिस एंड कॉमा यूज करना है एंड जिस एक्टिविटी में हमें रिडायरेक्ट होना है उस एक्टिविटी का नाम लिखना है, तो हमें थर्ड एक्टिविटी में ही आना होगा, इसलिए मैं थर्ड एक्टिविटी डॉट क्लास यूज कर देता हूँ एंड सेमी कॉलम से क्लोज कर देता हूँ। बट आपको ध्यान रखना है थर्ड एक्टिविटी में हमें क्यों रिडायरेक्ट होना है, क्योंकि हमारा जितना भी कोड है जितने भी हमने एक्टिविटी क्रिएट किए हैं हमें थर्ड एक्टिविटी में ही क्रिएट किए, इसलिए हमें थर्ड एक्टिविटी डॉट क्लास यहाँ पे लिख दिए। अभी हमें यहाँ पे एंटर करना होगा इंटेंट डॉट एड फ्लैग, आपको अगेन यहाँ पे इंटेंट यूज करना होगा, फ्लैग एक्टिविटी क्लियर टास्क ओके एंड आपको यहाँ पे सेमी कॉलम से क्लोज करना होगा। इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, आपको यहाँ से वैल्यू पास करनी होगी जो हमने एक्टिविटी सेकंड में यूज की थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्टिविटी सेकंड ओपन करके जावा को ओपन करना होगा आपको, एंड देख सकते हो यहाँ पे जो हमने कोड यूज किया था वैल्यू इसी वैल्यू का हमको पास करना होगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे कॉमा यूज करना होगा, कॉमा स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ न्यू वैल्यू जो भी हमारा नेम था उसको पास करना होगा, इसको सेमी कॉलम से क्लोज करना होगा। मैं स्टार्ट एक्टिविटी दे देता हूँ यहाँ से एंड यहाँ से आपको इंटेंट पास करना होगा, तो मैं पास कर देता हूँ यहाँ से इंटेंट। अभी हमारा काम हो चुका है इफ के कंडीशन में, आपको एल्स यूज करना होगा, आपको मैं यहाँ से एल्स कंडीशन भी यूज कर देता हूँ एंड यहाँ से जो भी हमारा ब्रैकेट था लगा देता हूँ एंड अगेन यहाँ पे हमें कंडीशन लिखनी होगी, इफ न्यू वैल्यू इज इक्वल टू वन, अगर न्यू वैल्यू इज इक्वल टू वन रहती है तो हम इसको कोड लिख देते, सेमी कॉलम से आपको क्लोज करना होगा, इंटेंट इंटेंट इज इक्वल टू न्यू ऑफ इंटेंट, आपको यहाँ से पास कर देनी है जिस एक्टिविटी में है एंड जिस एक्टिविटी में आपको जंप करना है उस एक्टिविटी का नेम, थर्ड एक्टिविटी सॉरी थर्ड एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा थर्ड एक्टिविटी डॉट क्लास ओके एंड इसके बाद हमें सेमी कॉलम यूज करना है। अभी हमें यहाँ पे इंटेंट यूज करना है, इंटेंट डॉट एड फ्लैग, अगेन आपको यहाँ पे इंटेंट यूज करना है डॉट फ्लैग एक्टिविटी क्लियर टास्क, जो हमने यहाँ पे ऊपर यूज किया था वही अभी यहाँ पे हमें यूज करना होगा।
आपको सेमी कॉलम से क्लोज कर देना होगा एंड इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा यहाँ पे यूज करना होगा। ओके बट आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे इस इंटेंट को पास करना है ना कि इस इंटेंट को, ठीक है। तो मैं स्मॉल इंटेंट को पास कर देता हूँ, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। आपको अगेन यहाँ पे वैल्यू दे देनी है जो भी आपकी की होगी। मैं नेम दे देता हूँ यहाँ से कंट्रोल सी से वैल्यू, एंड अगेन यहाँ पे आपको जो भी आपका कॉमा रहेगा दे देना है, एंड यहाँ से आपको स्ट्रिंग एंटर करना है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ न्यू वैल्यू को यूज करना है। तो मैं यूज कर देता हूँ न्यू वैल्यू को एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देता हूँ, स्टार्ट एक्टिविटी लगा देता हूँ एंड इंटेंट को पास कर देता हूँ। तो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है जो भी हमने इफ एल्स कंडीशन यूज किए थे। ओके अभी आपको यहाँ पे नीचे आना होगा, जो रेड कलर का साइन दिखाई दे रहा है आपको, इसमें आपको डॉट यूज करना होगा, डॉट स्टार्ट। ओके एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज करना होगा, स्टार्ट बटन डॉट सेट टेक्स्ट। आपको यहाँ पे पॉज यूज करना होगा, जैसे हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा पॉज आना चाहिए, इसलिए मैं पॉज को यूज कर देता हूँ। आप स्मॉल भी लिख सकते हो या फिर कैपिटल भी लिख सकते हो, तो मैं इसको थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ पॉज। एम टाइम रनिंग इज इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ मैं, इज इक्वल टू ट्रू। आपको सेमी कॉलम से इसको क्लोज करना होगा। जो हमने ऊपर यूज किए थे अपडेट टाइमर, अभी हमें इसका कोड लिखना होगा सबसे पहले, तो मैं इसका कोड लिख देता हूँ, इस स्पेस को रिमूव कर देता हूँ मैं एंड इसके नीचे मैं इसका कोड लिख देता हूँ, प्राइवेट वॉइड अपडेट टाइमर। आप कुछ भी नेम लिख सकते हो, तो मैं इसी नेम को यूज कर देता हूँ अपडेट टाइमर के नेम को। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एंड सेमी कॉलम यूज कर देता हूँ यहाँ पे। आपको यहाँ पे यूज करना है इंट मिनट्स इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे पास कर देना है इंटीजर। मैं यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी इसलिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ। आपको यहाँ पे ब्रैकेट में पास कर देना है जो भी आपकी वैल्यू रहेगी, डेटा टाइप इंट एम टाइप कैपिटल एम टाइम रनिंग, सॉरी आपको एम टाइम लेफ्ट इन मिली सेकेंड को यूज करना है यहाँ पे, एंड डिवाइड का साइन लगा देना है आपका जो भी डिवाइड का साइन रहेगा। एंड आपको यहाँ पे जितने भी मिनट रहेगा, जैसे हमारे 60,000 मिली सेकेंड रह गए, तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं सेकेंड पास कर देता हूँ, जितने भी हमारे सेकेंड रह गए, इंटीजर सेकेंड्स इज इक्वल टू, मैं ब्रैकेट में अगेन इंटीजर को पास कर देता हूँ जितने भी इंटीजर रह गए। एंड आपको यहाँ पे यम टाइम लेफ्ट इन मिली सेकेंड परसेंटेज का साइन देना होगा, आपको 60,000 को पास करना होगा एंड आपको यहाँ पे डिवाइड दे देना होगा, तो मैं डिवाइड 1000 दे देता हूँ एंड सेमी कॉलम यहाँ पे साइन दे देता हूँ। आपको यहाँ पे स्ट्रिंग यूज करनी होगी, स्ट्रिंग टाइम लेफ्ट टेक्स्ट। ओके आप यहाँ से कुछ भी नेम दे सकते हो, मैं इज इक्वल टू आपको इस सिंबल का यूज करना है, सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। अभी आपको इफ कंडीशन यूज करनी है, इफ इफ की, तो मैं यहाँ से इसको इफ दे देता हूँ। अगर सपोज मिनट्स, जो हमने यहाँ पे ऊपर मिनट्स यूज किया था इसी मिनट्स को यूज करना है, इफ मिनट्स लेस देन 10 देन टाइम लेफ्ट टेक्स्ट इज इक्वल टू, आपको इसमें पास कर देना है 0 एंड आपको यहाँ से टाइम लेफ्ट टेक्स्ट यूज करना है इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट टेक्स्ट प्लस का यूज करना है आपको एंड मिनट्स पास कर देना आपको प्लस 1। आपको प्लस 1 यूज नहीं करना, आपको की का साइन दे देना है एंड इसमें आपको
डबल डॉट को पास कर देना एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज करना होगा। अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है। अभी आपको अगेन इफ यूज करना होगा, मैंने बोला था आपको डबल इफ यूज करना है, तो मैं इफ पास कर देता हूँ एंड अभी मैं सेकंड्स के लिए कंडीशन यूज करता हूँ। इफ सेकंड्स लेस देन 10 देन आपको यहाँ पे कोड यूज करना होगा टाइम लेफ्ट टेक्स्ट प्लस इज इक्वल टू आपको पास करना होगा 0। अगेन यहाँ से यूज करना होगा आपको टाइम लेफ्ट टेक्स्ट प्लस इज इक्वल टू सेकेंड। अगेन आपको एम टेक्स्ट भी यूज करना होगा डॉट सेट टेक्स्ट एंड इसी टाइम को यूज करना होगा। ओके मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली कोड हो चुका है। मैं लास्ट में एक ऑन बैक प्रेस भी यूज कर देता हूँ, कंट्रोल ओ प्रेस कर देता हूँ मैं यहाँ पे एंड ऑन बैक प्रेस को सर्च कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी मैं एंटर प्रेस करता हूँ, अभी हमारा ऑन बैक प्रेस मेथड आ चुका है। अभी हमारा कम्प्लीटली जो भी हमने कोड क्रिएट किया हो चुका है, बट हमने जो इफ एल्स यूज किए थे उस इफ एल्स में हमें स्टॉप टाइमर, जो हमने यहाँ पे कोड को क्रिएट किया स्टॉप टाइमर एंड स्टार्ट टाइमर हमें यूज करना होगा। तो मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ एंड इफ एंड एल्स के कंडीशन में मैं पेस्ट कर देता हूँ स्टॉप टाइमर। ओके एंड अगेन हम चले जाते हैं स्टार्ट टाइमर की तरफ एंड इसको भी हम यूज कर देते हैं कंट्रोल सी एंड एल्स कंडीशन में इसको पेस्ट करना होगा एंड आपको यूज करना होगा इस साइन का। तो आप देख सकते हो अभी हमारा कंप्लीटली जो भी कोड था वो रिजोल्व हो चुका है। अभी हमें अपने डिवाइस को यहाँ पे कनेक्ट करना होगा प्रोजेक्ट के साथ, क्योंकि अभी हमारा कंप्लीटली वर्क हो चुका है। जैसे हम एक्टिविटी सेकंड पे क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक्टिविटी सेकंड, मैं आपको एक्टिविटी सेकंड दिखा देता हूँ। जैसे मैं इस पे आप क्लिक करोगे एक नेक्स्ट एक्टिविटी ओपन होगी, इस पे क्लिक करोगे तो इसकी एक्टिविटी मीन्स अभी हाँ अभी हमारा जो भी थर्ड एक्टिविटी का काम था वो कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है। मैं अभी आपको रन करके दिखा देता हूँ, बट यहाँ पे कुछ एरर शो हो रहे हैं तो मैं इसको रिजोल्व कर देता हूँ। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ एरर किसके कारण आ रहे हैं। इसको हमने पिछले वीडियो में क्रिएट किया था, हाँ यहाँ पे हमने क्लोज नहीं किया था इसको, इसलिए यहाँ पे एरर शो हो रहा था एंड अगेन इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे भी अगेन यहाँ पे एरर शो हो रहा है, तो इसको भी हमने स्ट्रोक को क्लोज नहीं किया था। अभी हमारा कम्प्लीटली जो भी एरर था रिजॉल्व हो चुका है। मैं अपने मोबाइल डिवाइस को भी कनेक्ट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो मेरा मोबाइल डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। मैं अभी रन ऐप पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम रन ऐप पे क्लिक कर देते हैं तो अभी थोड़ी देर में ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो चुके हैं। हम ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक वेट करते हैं एंड जैसे ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो जाएगी हमारा जो भी ऐप है लॉन्च हो जाएगा हमारे मोबाइल डिवाइस में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुका है, इंस्टॉल का भी ऑप्शन आ रहा है एंड थोड़ी देर में हमारे मोबाइल डिवाइस में ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोजेक्ट का नेम है मैं सबसे पहले देख लेता हूँ योगा डेमो ऐप एंड आप यहाँ पे सिंबल देख सकते हो योगा डेमो ऐप में आ चुका है यहाँ पे। तो मैं इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ योगा डेमो ऐप पे। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ आपके सामने जो भी हमारा स्प्लैश स्क्रीन रहेगा हमने क्रिएट किए थे ओपन हो जाएगा। इसके बाद में जो भी हमने एक्टिविटी सेकंड में क्रिएट किए थे मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी हमने जो एक्टिविटी मेन में क्रिएट किए थे वो कोड यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था वो यहाँ पे विजिबल हो चुका है एंड जैसे हमने एक्टिविटी इस पर क्लिक करेंगे बिफोर एज 18 पे तो आपके सामने एक एक्टिविटी ओपन हो जाएगी जो हमने एक्टिविटी सेकेंड में यूज़ किए थे। तो आप देख सकते हो जो हमने एक्टिविटी सेकंड में यूज की थी वो भी क्रिएट हो चुकी थी। अभी हमने जो कोड क्रिएट किया था थर्ड एक्टिविटी डॉट जावा उसको हम ओपन करके देखते हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हो हमारे सामने एक एक्टिविटी ओपन हो चुकी है एंड जो भी हमारा एग्जाम्पल था वो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक्टिविटी बो में जो हमने क्रिएट किया था इसमें वही आपके सामने ओपन हो चुकी होगी। आप जैसे इस पर स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे टाइमर रन होगा, टाइमर जैसे ही फिनिश हो जाएगा 0 0 सेकेंड उसके बाद में जो भी हमारी नेक्स्ट रहेगी
ओपन हो जाएगा, मींस बेसिक क्रंचेस ओपन हो जाएगा। स्टार्ट पॉज, स्टार्ट पॉज इसका ऑप्शन आ चुका है, देख सकते हो आप। तो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्लैंक ओपन दिखा रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि हम जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं, जैसा यहाँ पे ओपन हो रहा है तो इस पर क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगा, तो हमें कुछ नहीं करना होगा। जैसे हमने एक्टिविटी सेकेंड के लिए कोड किया है क्रिएट, उसी कोड को हमें यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट करना होगा आफ्टर एज 18 के लिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि आफ्टर एज 18 के लिए हम कोड कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको जो भी मैंने कोड समझाया होगा थर्ड एक्टिविटी डॉट जावा में आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, और हमारे चैनल पे प्लीज़ नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि हमारे चैनल में आपको ऐप से रिलेटेड कंटेंट मिलेंगे, इसलिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।